खैरागढ़ से सर। अच्छा खैरागढ़ आपका जय जोहार सर। तहे दिल से जय जोहार। मैं खैरागढ़ जिला से आता हूँ सर। मोर नाम योगेंद्र वर्मा है और मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। और मोर गाँव में मैं पहला लड़का हूँ जिन बीएड करे हूँ सर। बहुत तकलीफ बहुत मुश्किल में बीएड करे हूँ सर। हिंदी में सेंट्रल टीटी सीटी डीटी सीटेट सब पास करके बैठे हूँ सर। और आपसे बस उम्मीद लगा बैठी हूँ कि कब शिक्षक भर्ती खोले। वैसे ये बेरोजगारी भत्ते कम दिल ने सुकून देवा थे सर, जिन्हें मैं अपन पढ़ाई के खर्चा पूरा कर सकूं, अपन माँ बाप के थोड़ा 100-200 के भी खर्चा उठा सकूं। काबर की मैं पढ़ाई के चक्कर में कुछ काम नहीं कर सकूं। मोर ध्येय है सर कि मैं टीचर जरूर बनूं और आस लगाए आप ही के पास। ठीक है सर, मोर पूरा पढ़ाई कम्प्लीट है। आपसे हाथ जो है तो मैं यहाँ टीचर भर्ती खोल दे सर भविष्य में। यहाँ बस यही काम में हो। तहे दिल से आप लोग धन्यवाद बार बार। हमन तो भर्ती करना चाहता विभिन्न विभाग में, लेकिन विधानसभा में भी आरक्षण बिल हमन पारित कर दे और वो राजभवन में अटके उकरे कारण से अभी भर्ती नहीं कर पाते। जिन दिन दस्तखत कर हो कही राजभवन से बिल में, तीन दिन हम सब विभाग बहुत सारे विभाग इतने भर्ती शुरू कर दो। ठीक है, फिर भी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना सर, खुद तो रास्ता निकालो। हम छत्तीसगढ़ की जम्मू बेरोजगार पर सर। अच्छा तो पढ़े लिखे लिखा ते जाना था संविधान में जिन व्यवस्था है, सबके अपन दायित्व है, सबके अपन अधिकार है, सबके अपन सीमा है ना। तो वो आधार पे कहा कि वैधानिक स्थिति ये है कि राज्य सरकार यदि कोई बिल प्रस्तुत करना चाहते, बिल लागू करना चाहते तो मंत्रिमंडल में बोला प्रस्ताव पारित करते, विधानसभा में वो पारित कराने लगते और विधानसभा जब पारित हो जाते तो राजभवन जाते, तो राज्यपाल के जब हस्ताक्षर होते तब वो बिल पूर्णता प्राप्त होते और बिल लागू होते। तो अभी 2 दिसंबर से ये हम बना के भेज दें और आज ये अप्रैल बीत गए, मतलब लगभग 5 महीना हो गए। अब 5 महीना से राजभवन में अटके हैं वो जैन दिन